हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा दाल का सूप बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। दाल का सूप पीने के अंदर तो बहुत ही स्वादिष्ट रहता ही है, लेकिन इसके और भी कई फायदे हैं। जैसे वेट लॉस के अंदर ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। तो गाइज, वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है, कॉन्टेंट अगर समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। दाल का सूप बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर तीन प्रकार की दालें ली है। सबसे पहले मूंग मोगर दाल 3 टेबल स्पून लिए, मसूर की दाल ये भी 3 टेबल स्पून लिए, और साथ में मैंने यहाँ पर तुअर दाल लिए 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दालों को एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से इनको वॉश कर लेंगे। गाइस, दालों को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए इनके अंदर कई केमिकल्स वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे ये ख़राब नहीं होती। तो दालों को हमें यूज करने से पहले अच्छे से वॉश कर देना बहुत ही आवश्यक है। करीब 2 से 3 पानी के अंदर हम इसे अच्छे से रगड़ रगड़ कर वॉश करेंगे। इससे दालों के ऊपर लगा सारा केमिकल हट जाएगा, और जैसे जैसे आप दालों को धोते हुए जाएंगे ना, तो आप देखेंगे पानी का कलर एकदम चेंज हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मेरा सारा पानी का कलर चेंज हो चुका है, पूरा पानी एकदम वाइट हो चुका है। तो इसीलिए हमें दालों को इस तरह रगड़ रगड़ के धोना बहुत ही अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैं 3 पानी से दालों को अच्छे से वॉश कर लूँगा। उसके बाद में हमारी दालों को अंदर पानी जब हम डालेंगे ना, तो सारा पानी एकदम वाइट ही रहेगा। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर देखिए दालों को अच्छे से वॉश कर लिया। इसी तरह आपको भी दालों को वॉश करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर हम दालों को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुकर को गैस के ऊपर चढ़ा लिया, लो फ्लेम के ऊपर चालू कर लिया। सबसे पहले हम दालों को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर लूँगा 1 टोमेटो। गाइज, मैंने यहाँ पर 1 टोमेटो को वर्बली कट करके रखा है, तो इसे हम इसके साथ ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा गार्लिक डाल देंगे, 5-7 कली गार्लिक की, एक जिंजर का टुकड़ा और एक ग्रीन चिल्ली डाल देंगे। अगर आप स्पाइसी कम खाना पसंद करते हैं, तो ग्रीन चिल्ली को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर करीब 3 कप पानी डाल दूंगा। साथ में हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, आधा छोटा चम्मच से भी कम, और साथ में यहाँ पर हल्का सा नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच। बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर मैं कुकर को कवर कर लूँगा, और करीब 2 सीटी आने तक हम इंतज़ार करेंगे। जब कुकर के अंदर 2 सीटी आ जाएगी ना, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करके रख लेंगे और वर्बली इसे ठंडा होने देंगे। चलिए, यहाँ पर 2री सीटी भी आ चुकी है। अब हम कुकर को गैस को फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसे नेचुरल ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब कुकर हमारा नेचुरल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम सीटी को ऊपर करके देखेंगे। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल भी गैस नहीं है। तो अब मैं कुकर का ढक ओपन कर लेता हूँ। दालें हमारी सारी अच्छे से गुट चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दालों को पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी की जार के अंदर दालें हम इसके अंदर डाल देंगे और बढ़िया सा एक पेस्ट बना लेंगे। गाइस, यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि दालें हमारी थोड़ी ठंडी हो जाए, उसी के बाद पेस्ट बनाना है। चलिए, मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया। देखिए, पेस्ट हमारा काफ़ी एकदम सॉफ्ट पेस्ट बना है। ये देखिए, बस आपको भी इसी तरह पेस्ट बनाने का है। उसके बाद क्या करेंगे, हम चलेंगे अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर एक पैन गैस के ऊपर चलाकर सारा पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे बस। और उसके बाद मिक्सी के जार के अंदर थोड़ा पानी, करीब 1 से 1.5 कप पानी डालकर ये भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो करीब 2 कप पानी तक आप डाल सकते हैं, उससे आपकी दालों की थिकनेस काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो फ्लेम के ऊपर चालू कर लेंगे और हिलाते हुए इसे सबको बढ़िया सा मिक्स करेंगे। इससे क्या है, हमारा सूप काफ़ी अच्छा बनेगा और एकदम पीने के अंदर ये काफ़ी स्वादिष्ट भी रहता है। अगर एक बार आप ट्राई करोगे, यकीन दोबारा बनाने के लिए मजबूर हो जाओगे। अब हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उबालेंगे। यहाँ पर मैं इसे इसके अंदर हल्का सा सॉल्ट डाल देता हूँ। सॉल्ट हमें टेस्ट करने के बाद डालना स्वाद अनुसार। साथ में अगर आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। चलिए, इन सबको बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। करीब 2 मिनट तक हम इसे और उबालेंगे। उसके बाद में गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। देख सकते हैं आप, सूप हमारा काफ़ी थिक हो चुका है। अगर आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी पतली चाहिए, तो आधा कप पानी इसमें और डाल सकते हैं।
चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर लिया मैंने और इसके अंदर हल्का सा कोरिएंडर लीव डाल देते हैं। और हाँ, लेमन जूस डालना तो बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर आधा लेमन का मैंने जूस डाल दिया इसके अंदर। बस ये सब बढ़िया सा हिला के मिक्स कर लेंगे और हम इसे सर्व कर लेंगे। गाइज, ये सूप आपके लिए सेहत के लिए तो काफ़ी फायदेमंद रहता ही है। साथ में अगर वेट लॉस करना चाहते हैं आप, तो आप ये सूप डेली इवनिंग के अंदर पी सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको डाइट भी फॉलो करनी होगी। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये, एक बार अगर आप ट्राई करोगे तो दोबारा पीने के लिए मजबूर हो जाओगे। चलिए मैं इसे झटपट सर्व कर लेता हूँ और इसके ऊपर हल्का सा कोरिएंडर लीव लगाकर हम इसे सर्व कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा अगर आप चाहें तो सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो गाइज, ये थी आज की हमारी सूप की रेसिपी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करें।